Good morning class, this is our new Anna Physio class in which today we will study about the description of physiology of GI system. मैंने डाइजेशन की फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन अपनी लास्ट टू क्लासेस के अंदर आपको दिया था. अब हम पूरे GI सिस्टम की डिटेल में फिजियोलॉजी जो है आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं. तीन चार क्लासेस तक ये चलेगा अपना डिटेल. उसके बाद अपन एसेसरी ऑर्गन्स की भी डिटेलिंग पढ़ेंगे. तो आज GI सिस्टम की फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं. इसके अंदर हमारे को सभी ऑर्गन्स जो हैं डाइजेस्ट ट्रैक्ट के उनकी फंक्शनिंग पढ़नी है. एलिमेंट ट्रैक्ट का मूवमेंट कैसे होता है, माउथ स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे चलता है, फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है, लीवर जीबी पैनक्रियाज क्या फंक्शन करते हैं और कार्ब फैट और प्रोटीन का कैसे मेटाबॉलिज्म चलता है, ये सब कुछ अपन इस सिस्टम में पढ़ेंगे. तो ये अपना सिस्टम थोड़ा लंबा चलेगा. अब डाइजेस्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखिए भाई. डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड को सिंपल केमिकल सबस्टांसेस में तोड़ा जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है और बॉडी के द्वारा वो एज अ न्यूट्रिएंट काम में लिया जाता है. उस प्रोसेस को अपन डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन वो प्रोसेस जिसमें फूड को सिंपल फूड में तोड़ते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर बॉडी में एज अ न्यूट्रिएंट यूज हो जाता है. एक नॉर्मल यंग एडल्ट सॉलिड डाइट 1 किलो तक कंज्यूम कर सकता है और फ्लूड जो है 1 से 2 लीटर तक पर डे तक वो कंज्यूम कर सकता है. सॉलिड डाइट 1 किलो और फ्लूड 1 से 2 लीटर पर डे. अब डाइजेस्ट सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. पहला, ये फूड सबस्टांसेस को इंजेस्ट यानी कंजप्शन का काम करता है, फिर उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है, स्मॉल पार्टिकल्स को फिर ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग एरियाज में, फिर नेसेसरी एंजाइम्स जो भी एंजाइम्स है उस डाइजेशन के लिए आवश्यक एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और दूसरे सबस्टांसेस का भी डाइजेशन के लिए सिक्रीशन करता है, फिर फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करता है ये. उस डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उनमें से जो अनवांटेड मटेरियल निकल गए थे, सबस्टांसेस बच गए हैं, उनको बॉडी से रिमूव कर देता है. तो पहले फूड को खाना, फिर फूड को तोड़ना, फिर फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट करना, फिर एंजाइम्स का सिक्रीशन करना, फिर फूड का डाइजेशन उस एंजाइम्स के द्वारा, फिर फूड का एब्जॉर्प्शन और फाइनली वेस्ट मटेरियल का रिमूवल. ये सारे फंक्शंस हैं आपके डाइजेस्ट सिस्टम के. अब वो जो अपन ने पार्ट पढ़े थे, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उन सब के फंक्शन पढ़ लेते हैं भाई. तो माउथ का पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, फूड खाना, ईटिंग. फूड आप माउथ से ही खाओगे, डायरेक्ट इसोफेगस डायरेक्ट स्टमक में नहीं डाल सकते, नॉर्मली अपन नहीं डाल सकते. ठीक है कि कोई सर्जरी हुई है और वो फूड पाइप आपको वो लगाई गई है बाईपास के थ्रू, वो एक अलग कंडीशन है. पर नॉर्मल तो ऐसा नहीं कर सकते, नॉर्मल तो अपन मुंह में ही डालेंगे तो मुंह खाने का काम करता है. और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इसके, जैसे फूड मटेरियल का इंजेशन यानी खाना, फूड को च्यूइंग यानी चबाना, सलाइवा के साथ में मिक्स करना भी फूड को माउथ ही करता है, फूड के टेस्ट को एप्रिसिएशन, फूड अच्छा है कैसा है वो आपका मुंह बताता है, सीधा स्टमक में डालोगे पता नहीं चलेगा फूड कैसा था, कड़वा था मीठा था वो पता नहीं चलता है, मुंह से ही पता चलता है. तो फूड के टेस्ट का एप्रिसिएशन, फूड का ट्रांसफ़र ईसोफेगस से लेकर के स्टमक तक, तो जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस द्वारा जो जा रहा था उसको बोलस कहा था, माउथ से जो ईसोफेगस में गया था उस फूड को क्या कहते हैं अपन, बोलस, ताकि ईसोफेगस में उसकी स्वेलिंग हो सके. फिर इस इन सब के अलावा, इस फूड वाले पार्ट के अलावा, मुंह बोलने में भी तो हेल्पफुल है, स्पीच में हेल्पफुल. आप स्पीच मुंह से ही देते हो, गले से तो नहीं देते अपन स्पीच, फूड मुंह से देंगे. इसके अलावा सोशल जितने भी फंक्शनिंग हैं, मुस्कुराना, रोना, गुस्सा करना, बाकी सारे एक्सप्रेशंस देना, दुखी वाले, खुशी वाले, वो सारे एक्सप्रेशन भी आप इस फेस माउथ वाले पार्ट से ही देते हैं. तो सोशल फंक्शनिंग में भी हेल्पफुल है. तो फूड का इंजेशन, फूड का च्यूइंग, मिक्सिंग, टेस्ट का एप्रिसिएशन, फूड का बोलस की फॉर्म में ट्रांसफ़र, स्पीच में रोल और सोशल फंक्शनिंग करना, ये सब माउथ के फंक्शन होते हैं. अब माउथ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ सलाइवा. सलाइवा की प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन देखिए, लगभग 1000 ml से 1500 ml पर डे सलाइवा का सिक्रीशन होता है.
ये स्लाइटली एसिडिक होती है, इसकी पीएच 6.35 से 6.85, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.002 से 1.012 होती है। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है प्लाज्मा के कंपैरिजन में, सलाइवा प्लाज्मा के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक होता है, तीन होते हैं ना, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, गाढ़ा हाइपरटोनिक, डाइल्यूट हाइपोटोनिक, और एकदम सही सही जिसकी कंसंट्रेशन होती है वो आइसोटोनिक। इसके अलावा सलाइवा का सीक्रीशन जो है वो मेजर सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा होता है, पैरोटिड ग्लैंड 25% सीक्रीशन में रोल प्ले करती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड 70% और सब लिंगुअल ग्लैंड सिर्फ 5% जो मेन सलाइवा बना रही है। तो ये सीक्रीशन, इनके बारे में अपन ने डिटेल पहले पढ़ चुके हैं, अपन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सलाइवा कंपोजिशन देखे भाई, इसमें 99.5% तो वाटर होता है और 0.5% इसके अंदर सॉलिड होते हैं सलाइवा। अब ये देखिए वाटर और सॉलिड, सॉलिड फिर तीन तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टांस, इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, गैसेस, गैसेस में आती हैं ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस में होते हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट। इसके अलावा सलाइवा में ऑर्गेनिक सबस्टांसेस के अंदर एंजाइम्स जैसे अमाइलेज जिसको आप टाइलिन कहते हैं, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कैलिक्रिन नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अदर ऑर्गेनिक सबस्टांसेस में म्यूसिन, एल्ब्यूमिन, प्रोलीन रिच प्रोटीन, लैक्टोफेरिन, IgA एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, फ्री अमाइनो एसिड्स और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सबस्टांसेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ग्जैंथिन, हाइपोग्जैंथिन जैसी चीज़ें भी पाई जाती है। सलाइवा में नॉर्मली ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, पर डायबिटीज़ मलाइटस का कोई पेशेंट है तो उसके सलाइवा में ग्लूकोज पाया जाता है। ये आपको एग्ज़ाम में नोट करके लिखना है पॉइंट। तो ये सलाइवा तो अपन इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, पूरी फिजियोलॉजी को तो डिटेल है ना, पहले मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ाई थी। अब आपसे सलाइवा पे शॉर्ट नोट पूछ लें तो ये पूरा चार्ट भी आपको बनाना है, ठीक है। अब सलाइवा फंक्शन क्या करता है भाई, ये एक बहुत ही आवश्यक डाइजेसिव जूस है जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब कौन कौन से फंक्शन है, बहुत सारे, फूड को स्वेलोइंग के लिए प्रिपेयर करता है ताकि उसको आराम से निगला जा सके, टेस्ट का अप्रिसिएशन, मुंह में स्वाद ये सलाइवा ही बताता है, डाइजेसिव फंक्शन भी करता है क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज है ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। इसके अलावा ये क्लिंजिंग और प्रोटेक्शन का भी फंक्शन करता है, मुँह को साफ रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, स्पीच में रोल, बोलने में सहायता कर रहा है, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी कर रहा होता है, भाई अपने मुंह में कोई चीज़ ऐसी आ जाए तो सलाइवा थ्रू अपन थूक सकते हैं आराम से, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी करता है। देखा है ना आपने एनिमल्स वगैरह को ये अपनी जीभ बाहर रख रहे होते हैं, डॉग वगैरह, तो वो सब क्या है, बॉडी टेम्परेचर, और उनमें तो अपन को साफ दिखता है, करता तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट सबके अंदर है पर उनमें तो अपन आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा वाटर बैलेंस को रेगुलेट भी करता है, तो फूड की स्वेलोइंग करने के लिए उसको प्रिपेयर करेगा, टेस्ट बढ़ाएगा, डाइजेशन करेगा, क्लिंजिंग प्रोटेक्शन करेगा, स्पीच में रोल, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ब्लड टेम्परेचर का रेगुलेशन और वाटर बैलेंस का रेगुलेशन करता है। इसके अलावा अब इन सब का डिस्क्रिप्शन, भाई ये चीज़ें क्या कैसे क्यों हो रही है, तो फूड को प्रिपरेशन कैसे, कि जब आप फूड मुंह में लेते हैं तो वो गीला होकर के सलाइवा में डिजॉल्व हो जाता है, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसको वो फूड मॉइस्ट कर देता है। एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट कर रहा होता है और एक सलाइवा जो मुंह में रिलीज हो रहा है, सलाइवा तो रिलीज हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, और मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा जो म्यूकस रिलीज हो रहा है वो भी उसको फूड को मॉइस्ट करता है। इससे क्या है कि आप आराम से फूड को च्यूइंग कर सकते हो और टंग जो है उस च्यूइंग्ड फूड को आराम से मूव करवाती है, उसको और मॉइस्ट करती है और फूड को आराम से मैस्टिकेशन होकर के वो रोल, मैस्टिकेशन मतलब टूट जाना, टूट करके आराम से रोल हो जाता है, तो उस रोल्ड फूड को आप क्या कहते हो, मैस्टिकेटेड रोल्ड फूड को आप बोलस कहते हैं। सलाइवा का म्यूसिन जो होता है, सलाइवा में म्यूसिन पाया जाता है, वो बोलस को और ल्यूब्रिकेट बनाता है,
ताकि बोल उसको आराम से स्वेलो किया जा सके। तो पहला तो स्वेलो इनके लिए तैयार करता है, दूसरा टेस्ट का एप्रिसिएशन, टेस्ट बढ़ाता है। टेस्ट एक केमिकल सेंसेशन है, स्वाद। बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन, सलाइवा अपने सॉल्वेंट एक्शन की वजह से सॉलिड फूड सबस्टांसेस को डिसॉल्व करता है, ताकि वो डिसॉल्व सबस्टांस जो है वो टेस्ट बर्ड्स को स्टिम्युलेट कर सके, और स्टिम्युलेटेड टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो टेस्ट को पहचानने का, जैसे टेस्ट बर्ड आपकी स्टिम्युलेट होएगी कि अरे ये कोई फूड आया, तो पहचानेंगी ये फूड कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, सो सो है, नमकीन है, कैसा है, वो चीज़ें बताएगी। तीसरा डाइजेस्टिव का फंक्शन, सलाइवा में तीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स सलाइवरी अमाइलेज, माल्टेज और लिंगोलाइपेज पाए जाते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कुक्ड और बॉइल्ड आर जो स्टार्च होता है उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको डेक्सिन माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिमम पीएच सलाइवरी अमाइलेज के लिए जो आवश्यक है वो 6 है। सलाइवरी अमाइलेज सेल्यूलोज पर कभी भी एक्ट नहीं करता। माल्टेज थोड़ा बहुत ह्यूमन सलाइवा में पाया जाता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और लिंगुअल लाइपेज जो है वो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है, ये सीरोस ग्लैंड से सीक्रेट होता है जो हमारे टंग के पोस्टीरियर साइड में होती है। ये मिल्क फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करता है फैटी एसिड और डाइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर। इसके अलावा सलाइवा क्लिनजिंग और प्रोटेक्शन का भी फंक्शन करता है, माउथ और टीथ को रिंस किया जाता है, वो हमेशा उसको रिंस करता रहता है, साफ़ करता रहता है, और फूड डेब्रिस से उसको फ्री करता रहता है। आपके दांत में कुछ फंसे अपन किससे निकाल रहे हो, जीभ से पहले कोशिश कर रहे निकालने की, नहीं निकले तो अपन हाथ वाथ मारने की और घोचे मारने की जो तिनके से ले लेकर के साफ़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या ब्रश से करते हैं, समझदार लोग ब्रश से करते हैं, है ना। नहीं तो आप है ना सिंपल टंग से सलाइवा से करेंगे तो भी जो डेब्रिस है वो साफ़ हो जाते हैं, और कांस्टेंट सलाइवा सीक्रेशन होता रहता है, इस वजह से आपके जो टूथ और माउथ हैं वो सब फ्री ऑफ फूड डेब्रिस रहते हैं। इसके अलावा एंजाइम लाइसोजाइम सलाइवा का वो बैक्टीरिया को किल कर देते, जैसे स्टाफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ब्रूसेला, ये बैक्टीरिया अगर फूड में मौजूद हैं या किसी और चीज़ से आपने ले लिया तो उसको किल कर देगा ये सलाइवा। प्रोलीन रिच सलाइवा जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है और टॉक्सिक सबस्टांसिस को न्यूट्रलाइज कर देता है, जैसे टैनिन को, टैनिन फ्रूट्स में पाया जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज सलाइवा करता है। इसके अलावा लैक्टोफेरिन जो सलाइवा का है वो भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, यानी माइक्रोब को ख़त्म करता है, माइक्रोब मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई वगैरह। इम्यूनोग्लोबुलिन ए सलाइवा में पाया जाता है, ये भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होता है, वायरस को भी और बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। सलाइवा में इसके अलावा म्यूसिन भी पाया जाता है जो कि माउथ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। ये रोल इन स्पीच बोलने में सहायता करता है, क्योंकि ये आपके माउथ और लिप्स की सॉफ्ट पैलेट को मॉइस्टन और ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे ये स्पीच में हेल्पफुल होता है। अगर माउथ सूखने लग जाता है तो आर्टिकुलेशन और प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन आपके बोलने का, आर्टिकुलेशन आपके जो बोलने की कोशिश है, प्रोनाउंसिएशन जो आप शब्दों को प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो प्रोनाउंसिएशन सही जो है वो आपकी सलाइवा ही करवा रही होती है। फिर लास्ट, लगभग लास्ट ही फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट सबस्टांसेस भी सलाइवा के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं। सबस्टांसेस जैसे मरकरी, पोटेशियम, आयोडीन, लेड वगैरह सलाइवा से एक्सक्रीट होते हैं। सलाइवा इसके अलावा कुछ वायरस जैसे रेबीज, मम्स को भी निकालता है। एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे किसी को नेफ्राइटिस हो गया हो तो यूरिया भी एक्सक्रीट होती है, तब यूरिया की जो है वो सांस के साथ स्मेल आने लगती है। कैल्शियम भी जो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में एक्सक्रीट होता है। तो ये सब फंक्शन सलाइवा के। चलो और भी दो फंक्शन है भाई, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। सलाइवा हालांकि ह्यूमन बीइंग में जनरली बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करता, मैंने आपको बताया था, आपने डॉग्स वगैरह के अंदर ये प्रोसेसिंग देखी हुई है। वाटर बैलेंस, सलाइवा का सिक्रीशन डिक्रीज व्हेन बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीजेस, पानी की अगर शरीर में कमी आ जाए तो आपका मुंह भी सूख जाएगा, उसमें मुंह में लार नहीं बनेगी जिससे कि मुंह सूखे और ड्राइनेस ऑफ माउथ और आपको प्यास लगेगी, और जब आप पानी पियोगे इट क्वेंचेस द थर्स्ट एंड रिस्टोर्स द बॉडी वाटर कंटेंट, तो आपकी प्यास को ये पानी बुझाएगा और आपकी बॉडी के वाटर कंटेंट को भी नॉर्मल करेगा।
बस काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया अपन ने आज की क्लास के अंदर, काफ़ी ज़्यादा हो गई ये चीज़ें, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सलाइवा तक बहुत है भाई, माउथ और सलाइवा हो गया, बाकी की रिमेनिंग चीज़ें अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट है, क्योंकि इससे पहले अपन इंट्रोडक्टरी क्लास में इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, आज बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, तो आप आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।